हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। कर्मचारियों और पेंशनर्स को फाइनली साल 2020 में कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती नज़र आ रही हैं। साल 2020 का सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसे जानेंगे आप तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल में पहली बार आ यानी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। इसे सब्सक्राइब कर बेल सब्सक्राइब को करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं उस मीडिया खबर में, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, देन हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। चलिए देख लीजिए, केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी अपने पेंशन भुगतान के आदेश यानी पीपीओ को डिजी लॉकर में रख सकेंगे। तो मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं अब वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने में, और दूसरा है उनको पीपीओ ऑर्डर जो है उसको जमा करने में, पीपीओ ऑर्डर को रखने में, बाकी चीज़ें पीपीओ ऑर्डर से जो भी लेते उसी का सरकार ने बहुत बड़ा समाधान निकाल दिया है। आप देख सकते हैं इसमें, केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी अपने पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ को डिजी लॉकर में रख सकेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को पीपीओ की ओरिजिनल प्रति के न होने पर इसकी ई प्रति को मान्य कर दिया है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से इस नंबर को जारी किया जाता है। आगे आप देख सकते हैं, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने यह पाया है कि कई पेंशन भोगियों ने समय के साथ साथ अपने पीपीओ की मूल प्रति को खो दिया है, जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़े कार्यों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोरोना संकट में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी पीपीओ की मूल प्रति पाने में परेशानी और देरी हुई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की इस फैसले से रिटायर होने वाले कर्मचारियों और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में एक बयान में कहा है कि अपने पेंशन भोगियों की पीपीओ की फिजिकल कॉपी देने की अब अनिवार्यता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान यानी ई पीपीओ को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने का फैसला किया गया है। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल पर अवेलेबल होता है। आप मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाएंगे और तो वहाँ पर ये डाउनलोड कर लेंगे। अब अगर हमें कमेंट में यस लिखेंगे तो हम आपको जो है वहाँ पर पूरा एक अलग से सेपरेट वीडियो बता देंगे कि इस पीपीओ को आपको डाउनलोड कैसे करना है, डिजी लॉकर के साथ में उसे कनेक्ट कैसे करना है, सारी चीज़ें हम डिटेल में बता पाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए कमेंट में यस करके लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए आगे देख लेते हो, इससे पहले पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम NPS टीयर 2 सेवर स्कीम के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस में कहा गया कि केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो NPS में कंट्रीब्यूट करता है वह इस योजना के तहत अतिरिक्त पेंशन अकाउंट खुलवा सकता है। इसके जरिए वह रिटायरमेंट से ज्यादा पेंशन का लाभ ले सकता है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों के पास अब एक साथ योजना के 3 अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। पहला टीयर 1 अकाउंट है जो कि अनिवार्य है, यह पेंशन अकाउंट होता है। दूसरा टीयर 2 जिसमें निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होती है और कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। चलिए आप देख लीजिए, वह यह है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशनर्स की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जो 26 अगस्त को जारी किया गया था। अब देख सकते हैं सब्जेक्ट में, फैसिलिटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स टू स्टोर इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ इन डिजी लॉकर रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको अगर खो भी जाता है आपका पीपीओ एंड पेंशन पेमेंट ऑर्डर, तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आप जो है इसमें आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं और डिजी लॉकर से वैलिड होती है हर एक चीज़ इसमें। बेसिकली डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप है जिसमें सरकार के जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इशूड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब उसके अंदर होते हैं। चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपके बाइक की या कार की आपकी RC हो या इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, उसके अंदर मोस्टली सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से इशूड डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर अपलोड होते हैं और उसमें इशूड भी होते हैं। तो आप वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, आप कमेंट में यस करिएगा तो मैं आपको एक डिजी लॉकर के ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।